नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैंक का कर्ज वापस न करने पर रिकवरी टीम ने की कार्रवाई। पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने फार्मर के मकान को किया सील। 30 लाख का कर्ज लेकर बैंक को वापस नहीं कर रहा था फार्मर। बंडा के बिरहाना खुर्द गांव में सांड के हमले से किसान की हुई मौत। खेत से आवारा सांड को भगाने गया था किसान। किसान की मौत के बाद परिवार बालों में मचा कोहराम। धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को किया मुकम्मल। डीएम ने क्रय केंद्र प्रभारियों के साथ की खास बैठक। डीएम ने दी चेतावनी, कहा धान खरीद में लापरवाही मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई। शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया धरपकड़ अभियान। पुलिस ने 80 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में कच्ची शराब और अवैध शस्त्र और नकदी हुई बरामद। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्ज वापसी न करने पर बैंक ने कर्जदार के मकान को सील करने की कार्रवाई की है। पूरा मामला पोमाया थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव का है। यहां के रहने वाले सरबजीत ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मलिका शाखा से 30 लाख का लोन लिया था जिसको वापस नहीं किया। इसके बाद बैंक की ओर से कर्जदार को नोटिस देकर चेतावनी दी गई, बावजूद उसके कर्ज अदा नहीं किया गया। जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के रिकवरी रीजनल हेड असीम राणा के नेतृत्व में टीम पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को सील कर दिया गया। हालांकि इस दौरान मकान मालिक द्वारा टीम के साथ काफ़ी देर तक बहस भी हुई। शाहजहांपुर में जनता ऑटो ई रिक्शा ऑनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले तमाम ई रिक्शा चालक खिन्नीबाग रामलीला मैदान पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए ई रिक्शा चालकों ने मांग की है कि नगर में एक ई रिक्शा स्टैंड बनवाया जाए और अवैध वसूली को बंद कराया जाए। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पोवाया के पुराने तहसील परिसर में एक गाय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गाय की मौत की सूचना मिलने के बाद नगरपालिका प्रशासन की टीम पहुंची और जेसीबी की मदद से गाय के शव को उठाकर नगर के बाहर ले जाकर दफना दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आवारा घूमने वाली गाय की अचानक मौत हो गई। शाहजहांपुर में शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता खिन्नीबाग रामलीला मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। शिवसेना के कार्यकर्ता सत्यपाल मिश्रा के नेतृत्व में यहां इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुवाया क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया जाए। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बंडा क्षेत्र के बिरहाना खुर्द गांव में सांड के हमले से किसान महिपाल की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिपाल खेत से आवारा सांड भगाने गए थे, इसी दौरान सांड हमलावर हो गया। आनन फानन में परिजन उसको अस्पताल ले जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में ही महिपाल ने दम तोड़ दिया। सांड के हमले के बाद हुई महिपाल की मौत को लेकर परिवार बेहद परेशान है। परिजनों का कहना है कि सरकार गाय संरक्षण को लेकर तमाम दावे तो करती है, लेकिन बावजूद उसके आवारा सांड खुलेआम घूम रहे हैं जो हमलावर हो रहे हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला गदियाना के रहने वाले छंगेलाल राठौर ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। दरअसल मोहल्ला गदियाना में नगर निगम द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया गया था। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा गलियों को ठीक नहीं कराया गया जिसके चलते मोहल्ले के लोग परेशान हैं। फिलहाल आज जिलाधिकारी से शिकायत कर जल्द सड़कों को ठीक कराए जाने की मांग की है। कटरा पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके पास से असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि नदिया रामपुर का रहने वाला बादशाह आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से पिछले 5 सालों से फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था जिसे अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बहुजन समाज पार्टी ने बिक्रमपुर चकोरा गांव में हुई घटना के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि बिक्रमपुर चकोरा में दबंगों द्वारा की गई मारपीट के दौरान दलित परिवार के बच्चे की मौत हो गई थी। मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके चलते परिवार दहशत में है। शाहजहांपुर पुलिस ने बीते 24 घंटे में 80 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध शस्त्र, कच्ची शराब और नकदी बरामद हुई है। इस दौरान पुलिस ने न्यायालय में लंबे समय से हाजिर न होने वाले 14 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जलालाबाद क्षेत्र के कलेक्टरगंज गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सचिव चिकित्सा इकाई द्वारा किया गया। इस दौरान शिविर में पहुंचे 72 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कर दवाइयाँ वितरित की गईं। पोवाया पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ताश के पत्ते और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुबोध, उपेंद्र, आलोक, अभिषेक और सुशील को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 16,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। धान की खरीद को लेकर जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आज जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी प्रभारियों को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि धान खरीद में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र पर आने वाले किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें और 100% किसानों का धान खरीदा जाए। गीता हत्याकांड के मामले में कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए एनडीपीएफ के कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। एनडीपीएफ नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि गीता की ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना सदर बाजार पुलिस ने नाजायज तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त साहिल है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकजई मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।